अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सना तारिक, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस मैं लेकर आई हूं आज सॉफ्ट टच का वैक्स, और वैक्स जो है हमारे पास स्ट्रिप वाला वैक्स है, हर्बल वैक्स है। ये आपको यहां सामने नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास मैंने खोला है। इसमें जो है आफ्टर वैक्स लोशन है, उसके अलावा आपको मिल जाता है ये बॉटल। इस बॉटल के में जो है 125 ग्राम्स जो है वैक्स है, और ये बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है। मैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर आप इसको किसी भी कॉस्मेटिक से परचेज कर सकते हैं। बहुत सी गर्ल्स का ये प्रॉब्लम थी कि हमारे ब्राज़ीलियन वैक्स जो है बहुत एक्सपेंसिव आती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर आप ये वैक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मॉडल है, और मॉडल का मैं जा रही हूँ फेस वैक्स करने के लिए। तो सबसे पहले आपके घर में जो भी टेलकम है, आप उस टेलकम को आराम से वहाँ पे यूज़ करेंगे, ड्राई करेंगे, स्किन पे बिल्कुल सॉल्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्किन पर सॉल्टिंग होती है तो वैक्स जो है वो काम नहीं करता सही तरीके से। तो बिल्कुल ड्राई स्किन रखें, और वैक्स की क्वान्टिटी जो है वो सामने आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेना है। बहुत थिक लेयर नहीं लगाना, बहुत पतली लेयर नहीं लगाना, आपने नॉर्मल लेयर जो है यूज़ करना है। और बिल्कुल आराम से जिस डायरेक्शन पर आपके बाल हैं उसी डायरेक्शन पे जो है आपको वैक्स अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे आप स्पेचुला यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नाइफ थी तो मैं इसे कंफर्ट रहती हूँ लगाने में, तो मैं इसको लगा दिया। अभी मैंने स्ट्रिप रखा है उस हिस्से पे, और स्ट्रिप रखने के बाद जो है आपने हल्का सा रब करना है, और रब करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन पे जो है इसको खींच लेना है। खींचने के बाद जल्दी से आपने वहाँ उस हिस्से पे फिंगर्स को रख देना है, फिंगर्स को रख के प्रेस कर देना है। फिंगर प्रेस करने से जो है वहाँ पे आपको स्क्रेच नहीं आती है। ये आपको स्ट्रिप में इसके सारे इनके सारे हेयर्स दिखाई दे रहे होंगे, कितने आराम से और क्लियरली जो है इनके हेयर्स जो है वो रिमूव हो गए हैं विदाउट किसी पेन, ठीक है। अगर और बाकी जितने भी आपके लगे हुए हैं वैक्स, उसको आप स्ट्रिप से जो है क्लीन अप कर लें। इसी तरीके से बाकी हेयर्स के बाकी जो है पार्ट्स फेस के, उसमें भी इसी तरीके से एप्लीकेशन करेंगे, बिल्कुल लाइट से एप्लीकेशन करेंगे। थिक एप्लीकेशन करने से बिल्कुल आप जो है वो बाज रहें, बहुत ज़्यादा अगर थिक आप एप्लीकेशन करते हैं तो बिल्कुल भी आपके वैक्स जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से पतले लेयर लगा ली है इस हिस्से में भी, और बहुत ही सेंसिटिव सा ऐसा होता है यह, तो इसलिए बहुत एहतियात से आपने वैक्स पर एप्लीकेशन करनी है। और वहाँ पे आपने स्ट्रिप को जो है आराम से रखना है, और रखने के बाद फिंगर की मदद से उसको प्रेसअप करना है। थोड़ा सा प्रेसअप करेंगे, प्रेसअप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नीचे के हिस्से को जिस डायरेक्शन से हमें निकालना है उस डायरेक्शन अपोजिट में हमने फिंगर को रखा है टाइट से, और फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन पर खींच लिया है, ठीक है। खींचने के बाद मैंने सबसे पहले फिंगर वहाँ पर रखा है, प्रेसअप किया है, ताकि वहाँ पर किसी किस्म के दाने ना निकालें, क्योंकि वैक्स के बाद जब हम अचानक से घर में ऐसे कर रहे होते हैं और वैक्स को खींच लेते हैं तो देखिए आप अजीब से दाने दाने से हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके फेस पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर में भी आराम से कर रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि फेस जो है वो बिल्कुल आपके का जो है वो ब्यूटी होती है, और ब्यूटी पे जो है बिल्कुल भी स्क्रैच आ जाए या कुछ चीज ख़राब हो जाए तो वो बहुत ही बुरी लगती है। तो देखिए आप यहाँ पर कितने आराम से जो है ये वैक्स से क्लीन अप हो गया है। ये देखिए यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने हेयर्स हैं, और यहाँ पर देखिए क्लीन अप हो। तो जो भी गर्ल्स घर में वैक्स करना चाहती हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट है कि सॉफ्ट टच का ये जो वैक्स है ये बहुत ही विजिबल प्राइस पे आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैक्स हमने कर लिया है, और आफ्टर वैक्स लोशन जो है हम यूज़ करेंगे ताकि आपके जो हेयर्स की ग्रोथ है वो स्लो हो, ठीक है। तो ये वैक्स आफ्टर वैक्स लोशन है जो इस पाउच में मौजूद था, तो मैं इसको थोड़ा सा लेती हूँ, लेने के बाद आराम से जो है मसाज करते हुए इसको अप्लाई कर देंगे। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयरिंग कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने आराम आराम से जो है इनके फेस पे मसाज करते हुए आफ्टर वैक्स लोशन अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से आप अपने पूरे फेस को जो है वो वैक्स कर सकती हैं बहुत ही आराम से घर बैठे। जो गर्ल्स परेशान हो रही हैं ईद के लिए कि ईद है और हमें वैक्स करना है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, विजिबल प्राइस पे या आप बिल्कुल आराम से परचेज़ कर सकती हैं और घर में आराम से वैक्स कर सकती हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।